हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपको इस बार की एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर टू को कवर किया है, यानी आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर यानी पार्ट वन और पार्ट टू में बटा हुआ है। तो पार्ट टू के सभी चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आज हम लोग चैप्टर टू को कवर करेंगे। और अगर आप चैप्टर वन का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर टू को कवर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले कि आपका चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का जो आपका नाम है यहाँ पर, यानी एक दलीय प्रभुत्व का दौर, यानी चैप्टर टू है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पार्ट वन और पार्ट टू का से डिवाइड किया हुआ है, तो हम लोग पार्ट वन के सभी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और फिर पार्ट टू के चैप्टर को बाद में हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुकी आपका चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का दौर, उसके बाद क्या है चैप्टर टू है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर आप सब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, तो मैं बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो आप लोग कोई भी विषय का, कोई भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1857 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद थी। आपका ऑप्शन है ए एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, या उसके बाद है बहुदलीय व्यवस्था, उसके एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो आपका चार ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी दीजिए, वैसे आप लोग का तो जवाब बिल्कुल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, यानी 1867 से, यानी 1967 में, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो 1967 में किसका दौर था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में थी, ठीक है। तो उस वक्त जो एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो अपना किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था, आपका ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, उसके बाद ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, उसके बाद है गांधी का सूर्योदय, उसके बाद है लेनिन का समाजवाद। तो कौन सा राइट आंसर होगा, आप लोग जल्दी जल्दी देखिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है। चले बहुत बढ़िया, अब आगे देखेंगे। चले तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस चैनल में आपको सभी सब्जेक्ट का, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियोस, सब्जेक्टिव वीडियोस, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, सारे चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। और आपको टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का न्यूज़, उसके बाद आपका जो है कोई भी चीज़ होती है, जैसे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आती है ऑफिशियल, तो वो सारा चीज़ जो है टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कराता हूँ। कब वीडियोस आती है, कब लाइव क्लासेस होती है, वह सारा चीज़ जो है, सारा चीज़ का लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम में भेज देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िएगा। अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि सरकार राज्य है, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। यानी किसने कहा था कि कांग्रेस जो है, यानी पार्टी नहीं है बल्कि सरकार, राज्य, और यहाँ तक कि वो देश बन गई है। तो किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन है ए नंबर, यानी स्टेनले कॉसनेक माला, उसके बाद है मायरोन विनर, उसके बाद है मॉरिस जॉन्स, उसके बाद है जियोवानी सार्तोरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग का जो जवाब आ रहा है, सभी कोई गलत बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी स्टेनले कॉसनेक माला हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार।
तो चार नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, एकल दलीय व्यवस्था में, या फिर द्विदलीय व्यवस्था में, या फिर बहुदलीय, या फिर एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था में। तो अभी किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको बहुदलीय में रखा गया है, ठीक है। यानी बहुदलीय मतलब क्या होता है कि बहुत सारे दल है, जैसे कि अभी हमारे भारत में यानी जो यानी राष्ट्रीय दल है, तो टोटल राष्ट्रीय दल 7 है, ठीक है। टोटल राष्ट्रीय दल कितना है, 7 है। तो ये सारा जो है क्या है, बहुदलीय है, ठीक है। बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल है, इसलिए बहुदलीय कहा गया है। तो किस श्रेणी में रखा गया, बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला 5 नंबर। चलिए अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगला विषय का कौन सा वीडियो होना चाहिए। और आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो लाइव क्लास और वीडियोज़ अपलोड कब कब होती है, इस चैनल पे बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग सही टाइम पर आ पाओगे। देखिए आपका सुबह से शुरू होती है 8 बजे आपका इंग्लिश का क्लास जो कि लाइव होती है। उसके बाद 11 बजे जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो 11 बजे पोल साइंस की। उसके बाद आपका जो है 4 बजे ज्योग्राफी की होती है, ठीक है। और आपका 7:30 बजे यानी अल्टरनेट जी क्लास होती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये जो है क्लास होती है इस टाइम पे। तो आप लोग का अभी यानी 4 फिक्स क्लास कर दिया गया है, ये क्लास हर दिन डेली होगी। और आपका क्लास जो आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपका क्लास फिर से जो है यानी तैयार कर दिया जाएगा और उस टाइम पर पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा विषय का और वीडियो चाहिए, क्योंकि आपका हिस्ट्री, हिंदी, पोल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, मिल रहा है। और टारगेट बेच एक चैनल है, उसमें आपको साइकोलॉजी, होम साइंस और सारा चीज़ इसमें भी आएगा, आर्ट्स के सभी पेपर का। तो आप लोग कमेंट करेंगे ज़रूर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो कांग्रेस के युवा तुर्क यानी युवा जो है कांग्रेस का किसको माना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को, कामराज को, उसके बाद है निज लिंगप्पा, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद को यानी कांग्रेस के युवा तुर्कों में माना जाता है, यानी कांग्रेस का युवा यानी तुर्क था, यानी ठीक है, यानी जवान जो है कांग्रेस का तुर्क था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी और उनका पुनर्निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 6 नंबर का यहां पर राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, उसके बाद इंदिरा गांधी है, उसके बाद आपका राजीव गांधी है। तो यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता को 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उनका पुनर्निर्माण किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर, यानी 2 बार जो अपनी पार्टी को तोड़ी थी फिर वो पुनर्निर्माण किया था। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोल रहा है, अच्छी तरीके से देखिए, कह रहा है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कारण कौन सा कारण नहीं था। यानी कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में था, ठीक है, तो मजबूत स्थिति में होने के कारण जो पतन का कारण रहा था, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पतन हो चुकी है, बिल्कुल कुछ भी कहीं पर भी एक सीट भी नहीं मिल रही है। तो यानी पतन का कारण जो रहा है 1967 के बाद, तो वो कौन सा कारण नहीं रहा है। यानी ये देखिए, पुरानी छवि का अंत, उसके बाद है सक्षम प्रभाव, नेतृत्व का अभाव, या फिर क्षेत्रीय दलों का उदय, या फिर समय अनुकूलन विचारधारा का ना होना। देखिए कांग्रेस का जो यानी समय के साथ वो अपना विचारधारा का यानी अनुकूलन का नहीं होना, यानी उसको क्या चाहिए था कि समय के साथ विचारधारा को जो है बदलना चाहिए था, तो ये जो था ये नहीं था, ठीक है। ये समय के साथ जो यानी अपना वो काम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जो है ये वाला नहीं था, बाकी ये तीनों कारण रहा था, ठीक है, ये तीनों कारण था, बाकी ये कारण नहीं था, यानी कांग्रेस का पतन का कारण। तो अच्छी तरीके से आप लोग ये देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार ये पूछे गए हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो कम्युनिस्ट पार्टी ये क्या है, यानी ये तमिलनाडु का ये पार्टी है, ठीक है,
ये राष्ट्रीय मतलब पार्टी है, ठीक है, यानी हमारे देश में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, तो 7 पार्टी है, जिनमें से एक भारतीय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी भी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर, यानी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम जो मौका मिला था वो कब मिला था, तो इसका राइट आंसर यानी 1967 राइट आंसर, सॉरी 1957 को मिला था, सॉरी यहाँ 1957 होना चाहिए, जी 1957 को मिला था, ठीक है। चलिए यानी दूसरा आम चुनाव के बाद, यानी पहला आम चुनाव में यानी सत्ता में जो, यानी बस ये तमिलनाडु में ही बना था, ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी थी वो तमिलनाडु में ही सत्ता में बैठा था, बाकी जो पूरे देश में किसकी सत्ता थी तो वो कांग्रेस की सत्ता थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर को देखेंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटी में रखा जा सकता है, यानी भारत की किस पार्टी को दक्षिणतम पंथी, ठीक है, तो किस पार्टी को, देखिए यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद क्रांतिकारी पार्टी, तो यानी दक्षिणपंथी किस पार्टी को रखा गया है, तो इसका राइट आंसर यानी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण पार्टी में रखा गया है, दक्षिणतम पार्टी में ये जी इसको कोटी में रखा गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, क्या नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1967 के तो 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1967 के चौथे आम चुनाव, यानी 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, ठीक है, तो हर 5 साल में यानी एक आम चुनाव होती है, ठीक है, तो 5 साल यानी 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व के प्रबल भूमिका रही, यानी कांग्रेस का जो यानी पतन हुआ था वो किस यानी भूमिका रही थी, कौन सी भूमिका, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक दल बदल, ठीक है, यानी राजनीतिक दल बदल रहा था, यानी बहुत सारे ऐसे यानी धाकर नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर वो अलग अलग यानी दल में चले गए थे, जिसके कारण जो सबसे प्रबल भूमिका यानी सबसे स्ट्रांग मजबूत भूमिका वही थी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका पतन हो गया था तेजी से, ठीक है। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 11 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था, तो 1971 में बने महागठबंधन का जो ध्येय था यानी सबसे ज़्यादा जो यानी क्या कहता उसको यानी ध्यान जिसको मतलब इसको क्या हटाना है क्या करना है नहीं करना है, तो इंदिरा हटाओ जो है इंदिरा हटाओ का नारा था, ठीक है, यानी क्या था यानी 1971 में बने महागठबंधन जो बना था वो किसके यानी विपक्ष दल यानी इंदिरा हटाओ को यानी ये ध्येय था, ठीक है, इंदिरा को हटाने के लिए था इंदिरा गांधी को। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया, तो भारतीय राष्ट्रीयवादी कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प कब लिया, तो इसका राइट आंसर कौन सा, अवाड़ी अधिवेशन में, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ओके। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, तो 13 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, प्रथम गैर कांग्रेसी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई राइट आंसर यहाँ पर गैर कांग्रेसी प्रथम यानी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन, चार ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लियाकत अली आ रहा है, उसके बाद ए ओ ह्यूम है, उसके बाद एस एन बनर्जी है, उसके बाद जी के गोखलेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ओ ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर जरूर करना है, उसके बाद जो भी न्यू देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लेना, पार्ट वन भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए भारत कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, कांग्रेस में प्रथम विभाजन
किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 1966 है, 1969 है, उसके बाद 68 है, उसके बाद 70 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का जवाब तो आ रहा है बी नंबर के बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 1969 में सबसे जो है यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है, कौन सा प्रथम जो है पहली बार विभाजित हो गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपका ऑप्शन ए है 1885, उसके बाद है बी 1905, उसके बाद सी है 1916, उसके बाद डी है 1947, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, प्रथम चुनाव में यानी 1952 में क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था, तो उसमें यानी किस राज्य में जो है यानी कांग्रेस को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका आप देख सकते हैं ए नंबर है उड़ीसा, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी उड़ीसा, राइट आंसर उड़ीसा में जो है यानी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कर्म के हिसाब से कौन सा स्थान था, तो यानी यानी प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल जो राष्ट्रपति बनी थी तो वो कब बनी थी, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है 12वां है, 13वां है, उसके 14वां है, उसके बाद क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना स्थान है, तो 12वां स्थान है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर सॉरी गलत आंसर दे दिया गया है, जिसकी वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉरी। तो क्या है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था लेकिन अभी नहीं है, तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार है, उत्तराखंड है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी जम्मू कश्मीर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी संजय गांधी के द्वारा की गई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाते हैं, यानी कौन जाने जाते थे, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान है, उसके बाद सरदार पटेल है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, सोनिया गांधी कांग्रेस से, उसके बाद मायावती बहुजन समाजवाद पार्टी से, उसके बाद क्या है लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल से, उसके बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर नीचे में देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कर्जन है, या फिर सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर क्या है बी आर अम्बेडकर, तो इसका राइट आंसर यहाँ सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। अगर आपको यहीं पर पूछा जाएगा भारत का प्रथम या फिर अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर बोलना था आपको लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारत का भारतीय और क्या पूछा स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो यानी गवर्नर जनरल बने थे वो सिराज गोपालाचारी बने थे, ठीक है। तो मैं आज तक इस यानी जितने सारे बच्चे आते हैं ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होते, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको पूछा जाए प्रथम भारतीय भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो क्या हो जाएगा यानी सिराज गोपालाचारी। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या हो जाएगा, सिराज गोपालाचारी, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 24 नंबर, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर यानी भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, तो यहाँ पर 4 है, 5 है, और यहाँ पर बी तो गायब हो चुका है, बी नंबर में होना चाहिए, 4 के बाद 5, उसके बाद यहाँ पर डी नंबर 7, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 है, ओके।
चलिए, 7 राष्ट्रीय दल है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में जो द्वितीय है, भारत में राष्ट्रीय आम सॉरी क्या बो क्या क्या बोल रहे हट कलमडा काम कलमडा लिखाल जब कुछ वाला पढ़ेगी कुछ कि ना काना वाना है कि नहीं किया हमें। क्या करें, 26 नंबर कह रहे हैं कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन चार है, देखिए 1955, 1956, 1957 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो, डी नंबर, सी नंबर यानी इनमें से सॉरी सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, 1957 हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या आ चुकी है, 27 नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो 1952 से और 1967 यानी लगभग 20 साल जो है यानी किसका रहा था, तो कांग्रेस का रहा था, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, नहीं ये सत्ता में थे कांग्रेस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 29 नंबर, क्या बोला जा रहा है, भारत स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1952 में हुआ था, ठीक है, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, 26 जनवरी हम मनाते हैं, तो 26 जनवरी हम कब मनाते हैं? आपका ऑप्शन यहाँ पर देखें, गणतंत्र दिवस के रूप में, या फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या फिर शिक्षक दिवस के रूप में, या फिर झंडा दिवस के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 31 नंबर, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? आपका ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, उसका द्विदलीय व्यवस्था, या फिर बहुदलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो स्वतंत्र भारत इस समय जो है यानी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32 नंबर, यहाँ पर स्क्रीन में आ चुके हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में हुए 1970 में आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? 1977 में किस यानी आम किस राज्य किस दल को जो है बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को, ठीक है। तो मैं आप लोग का एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जनता पार्टी और यानी भारतीय जनता पार्टी सेम है, तो ये दोनों अलग अलग पार्टी है। जैसा कि मैं बताया कि भारत में वर्तमान में कितना पार्टी है, 7 दल है, ठीक है, 7 दल। तो इसमें से एक दल यहाँ पर क्या है कि जनता पार्टी है, उसके बाद क्या है ये यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उसके बाद जनता दल, ये चारों पार्टी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, एक कम्युनिस्ट पार्टी भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोला जा रहा है, कह रहा कि राजनीतिक दल को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? यानी किसी यानी दल को जो यानी उसका चुनाव जो दिया जाता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है, तो कौन देता है, कौन बताता है कि ये आपका चुनाव चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग बताता है कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, जैसे कि कांग्रेस का हाथ छाप है और बीजेपी का कमल फूल है, तो ये किस कौन बताता है, तो इन्हें चुनाव आयोग बताता है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कन्फ्यूजन होते हैं, कोई बोलते हैं कि 1980, कोई बोलते हैं 1977। तो जनता पार्टी, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी होता तब जाकर के 1980 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, ए नंबर, यानी जनता पार्टी, ओनली फॉर क्या है, जनता पार्टी। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, पर कह रहे कि भारत में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम विभाजन जो हुआ था, ये राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर, 1969 में हुआ था। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 36 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 नंबर का, तो 36 का राइट आंसर यानी प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप लोगों ने आज कवर किए हैं 36 क्वेश्चन तक, अब यहाँ पर हम लोग 37 क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, यानी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। चलिए अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि
भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला जो उप प्रधानमंत्री था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, 38 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उप प्रधानमंत्री रहा, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री। ओके, तो अब हम लोग एक जो है अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग घर बैठे अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो BBP हेल्प ऐप को डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना BBP हेल्प, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, आपको BBP हेल्प में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा और क्या कैसे आपको लेना है। जैसे मान लिए आर्ट्स पेपर में आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे किसी का 5 सब्जेक्ट होता है, किसी का 6 सब्जेक्ट, ज़्यादातर जो है 5 सब्जेक्ट ही होता है, अगर जो एक्स्ट्रा नहीं रखता तो 5ों सब्जेक्ट का आपको जो है देखिए क्या क्या मिलने वाला है बता रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए और आप लोग जो है इसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि आर्ट्स को मिलने वाला है, आर्ट्स में क्या मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, उसके बाद यानी आर्ट्स के 13 सब्जेक्ट, टोटल कितना है 13 सब्जेक्ट है, 13 सब्जेक्ट में आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ओनली यानी आपको हिस्ट्री, जैसे अगर हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स, PDF, उसके बाद प्रीवियस ईयर 10 साल का पिछला प्रीवियस जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 10 साल का, उसके बाद आपको 500 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो इसी में से 100% पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं सभी सब्जेक्ट का इसी तरह करके, तो आपको कितना यानी BBP हेल्प ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जो है घर बैठे तैयारी करें। आप वहाँ पर एक कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको यानी 349 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है, और वो वहाँ पर आपको ये मिल जाने वाली सारी फैकल्टी, ठीक है, और आप घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ये पूरी गारंटी है हम लोगों की, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पर आप जो है इंक्वायरी करके आप कर सकते हैं, 7903288689 पर कॉल करके पूछ करके क्या कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या मिलने वाला है, सारा चीज़ आपको दे दिया जाएगा। अगर आप सिंगल अगर इंग्लिश का लेना चाह रहे हैं, इंग्लिश का, तो इंग्लिश का 199 यानी 199 रुपये में मिलने वाली है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लियर करने के लिए इस नंबर पर कॉल करेंगे, वो सारा चीज़ बता दिया जाएगा कि आपको कैसे कैसे लेना है और क्या क्या मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग इतना ही तक आज का वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।